हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनोबार्बिटोन टेबलेट के बारे में, जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे क्या इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिनोबार्बिटोन टेबलेट की बात करते हैं तो यह बार्बिट्यूरेट क्लास की दवा है, जिसे हम एंटी एपिलेप्टिक तथा एंटी कन्वुलसेंट दवा भी कहते हैं। यह आपको टेबलेट, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 30 mg और 60 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे गार्डेनल, फिनोटोन, बार्बिमोन, बारजोक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस टेबलेट के प्राइस की बात करते हैं तो यह काफी सस्ती टेबलेट है। यह आपको 1 से 2 रुपए में एक टेबलेट मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इस टेबलेट के पैकिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो एक स्ट्रिप में 30 टेबलेट आती है और बॉटल पैकिंग में 100 टेबलेट्स आती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एंटी एपिलेप्टिक तथा एंटी कन्वल्सेंट क्लास की दवा है, तो इस टेबलेट का मेन यूज एपिलेप्टिक सीजर यानी मिर्गी के दौरान जो दौरे आते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी हो और उस समय व्यक्ति खड़े खड़े गिर जाता है तो उसे मिर्गी की बीमारी होती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के अलावा किसी और कारण से सीजर आते हैं यानी दौरे आते हैं तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मिर्गी के दौरे के लिए सबसे ज्यादा फिनोटोइन टेबलेट का यूज किया जाता है, लेकिन फिनोटोइन टेबलेट एडल्ट तथा ओल्ड एज व्यक्ति के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए यूज नहीं किया जाता है। और यदि किसी बच्चे को सीजर की प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय फिनोबार्बिटोन टेबलेट का यूज किया जाता है। फिनोबार्बिटोन टेबलेट बच्चे तथा एडल्ट दोनों के लिए यूज की जाती है, लेकिन यदि किसी एडल्ट व्यक्ति को इस टेबलेट का रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसे फिनोटोइन टेबलेट दी जाती है। यदि किसी नवजात बच्चे को सीजर की प्रॉब्लम आती है तो उस समय भी फिनोबार्बिटोन दिया जाता है, लेकिन उस समय सिरप या इंजेक्शन देकर उसको कंट्रोल किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का ज्यादा यूज करता है तो उस समय अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवा का लंबे समय से यूज करता है, जैसे लोराजेपाम, डाइजेपाम, इस प्रकार की दवा का यूज करता है, तो उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि कोई ओल्ड एज व्यक्ति जिसे इंसोमनिया, एंजाइटी जैसी समस्या हो जाती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे अनकॉन्सनेशंस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लिपनेस, हेडेक, मसल्स पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। एडल्ट व्यक्ति के कॉमन डोज की बात करते हैं तो 30 mg की टेबलेट दिन में 2 बार दी जाती है और ज्यादा जरूरत लगने पर इस टेबलेट का डोज बढ़ाया जा सकता है। इस टेबलेट के रिकमेंड डोज की बात करते हैं तो इसको 30 mg से लगाकर 200 mg तक पर डे दिया जाता है, लेकिन इसकी जो हायर डोज रहती है उसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है और जो लो डोज रहती है उसको सिंगल यूज किया जाता है। इस टेबलेट को रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है।
बच्चों के कॉमन डोज की बात करते हैं तो 1 kg पर 5 mg पर डे के हिसाब से होता है, और इसके हायर डोज की बात करते हैं तो 1 kg पर 12 mg पर डे के हिसाब से इसका डोज होता है, और यह डोज डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय इस टेबलेट को डॉक्टर की सलाह से यूज करें और इस टेबलेट का लो डोज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो उस समय इस टेबलेट का यूज नहीं किया जाता है। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो बच्चे को सीजर की प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको फिनोबार्बिटोन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।